Hello friends, welcome to our channel Google Galaxy. आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही मुद्दा है कि जो स्टूडेंट्स IIT क्लियर नहीं कर पाते, क्या उनको साल ड्रॉप करना चाहिए, एक और ट्राई करना चाहिए। देखिए, अगर मैं पिछले कुछ सालों के बारे में बात करूं, जो पिछले साल के कुछ आंकड़े हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दूसरी बार एग्ज़ाम दिया। जब उन्होंने दूसरी बार एग्ज़ाम दिया तो जो रिज़ल्ट आया उसमें से अबाउट 60% हिस्सा उनका था जिन्होंने दूसरी बार एग्ज़ाम क्लियर किया। अबाउट 40% वो थे जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट किया। अभी बात ये बनती है कि जो फ्रेशर्स हैं, जो साल नहीं प्रिपेयर कर पाए हैं, अगर मैं पूरे के पूरे पिछले आंकड़ों के बारे में बात करूं, तो इसमें बहुत बड़ा बूस्ट आया है। तो क्या जो फ्रेशर्स हैं, जो नई तैयारी कर पाए, कि उनको साल ड्रॉप करना चाहिए? तो मेरा आंसर ये होगा, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे, क्या वो कैसे किस तरह के उनके रैंक आए हैं, किस तरह के उनका पढ़ने का तरीका है। अगर हम इसको थोड़ा डीपली देखें, देखिए सबसे पहले वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनका IIT मेंस क्लियर हो गया लेकिन एडवांस में बहुत ही लो रैंक आया है। मेंस तो क्लियर हो गया है, एडवांस में लो रैंक आया है। जिनका एडवांस में लो रैंक आता है तो सबसे पहले डिसएडवांटेज सुन लीजिए कि अगर आप मान लो साल ड्रॉप करते हैं, हमारा एडवांस में रैंक नहीं आया जी, तो हमें नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हम एडवांस में रैंक लेके IIT में अच्छे स्ट्रीम में एडमिशन ले पाएं। तो सबसे पहले ये बात बनती है कि अगर आपका IIT एडवांस में लो रैंक आया है, अगर आप फिर से तैयारी कर रहे हो, तो आपका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आपके पास सबसे बड़ी बात, आप साल तैयारी करते करते केवल एडवांस के लिए बोर हो जाओगे, इतना नहीं पढ़ पाओगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपके मन में शंका बनी रहेगी कि आपके पास वो रैंक आ पाएगा कि नहीं आ रैंक पाएगा जितना पहले था, अब कहीं उससे कम तो नहीं चला जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास ये लास्ट चांस है, अगर आप ये चांस नहीं क्लियर कर पाए तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। अगर आपके पास एडवांस में लो रैंक आया है तो भी अगर आप एडमिशन लेते हो, तो जो बच्चे एडवांस में, जो बच्चे IIT में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं फर्स्ट ईयर में, तो उनके पास IIT वाले जो IIT की जो संस्था है वो उनको मौका देती है। उनका ये रूल है, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो उनको मौका देती है कि वो सेकेंड ईयर में अपनी स्ट्रीम बदल पाए। नो डाउट जो करोड़ों के पैकेज आते हैं, जो बहुत अच्छी इनकम वाले पैकेज आते हैं, वो कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में ही आते हैं। जो बाहरी देश की कंपनियां हैं वो इंडिया की क्रीम स्टूडेंट्स को उठा के बहुत अच्छा पैकेज देके रिक्रूट कर लेती हैं। लेकिन जो बच्चे लो रैंक के कारण अपना कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम नहीं चुन पाते, अगर वो दूसरे ट्रेड में जाते हैं, तो जब वो दूसरी ट्रेड में जाते हैं तो IIT उनको मौका देता है कि वो सेकेंड ईयर में जाके अपनी स्ट्रीम बदल पाएं और वो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स चुन पाते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये मौका भी चला जाता है, तो आपके पास और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं इंजीनियरिंग की। जैसे कोई रिक्रूटमेंट होती है तो रिक्रूट करने वाले, तो आपके पास बहुत अच्छी मौका है इन्वेस्टमेंट कंपनीज में जाने का, एनालिटिक्स जॉब में जाने का, फाइनेंशियल में। वो जो कंपनी आती है वो IIT में जाके रिक्रूट करके बहुत अच्छा पैकेज दे देती हैं आपको। सबसे बड़ा ये एडवांटेज है कि आपको हम स्किप नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए कि अगर आपके पास आर्किटेक्चर का ट्रेड है तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये केवल स्टूडेंट्स के लिए है कि जो आर्किटेक्चर का ले लेते हैं वो हर हाल में अपना सेकेंड ईयर में अपनी स्ट्रीम को बदल सकते हैं। ये IIT का आर्किटेक्चर में सबसे लेना बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स नहीं चाहते वो अपनी स्ट्रीम बदल सकते हैं। अभी दूसरी बात आती है वो वाले स्टूडेंट्स जिनका एडवांस तो नहीं क्लियर हुआ लेकिन मेंस क्लियर हो गया है। देखिए, जिनका मेंस क्लियर हो गया है उनके लिए ये बात
थोड़ी अच्छी भी है बुरी भी है। देखिए कैसे, मैं आपको एक साइट बताता हूँ, आपको एक लिंक देता हूँ। आप अगर आप वेबसाइट लिंक करो, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, वहां पे आपको टाइप करना होगा www.rauacademy.com। जब आप उस वेबसाइट पे, ये मुंबई का एक कोचिंग सेंटर है, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक कैलेंडर डाला हुआ है। कैलेंडर उन्होंने इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस, जो बहुत अच्छा पैकेज देते हैं, जो कंपनी में प्लेसमेंट करवाते हैं, उन्होंने उनकी वेबसाइट्स का, उनकी जो कॉलेजेस की लिस्ट बनाई हुई है, 10-12 कॉलेजेस की, उनका लिंक दिया हुआ है, उनकी क्या प्रोसेस है, वो किस एडवर्टीजमेंट के थ्रू आईआईटी मेंस में कैसे रिक्रूट करते हैं, कौन से महीने में उनकी काउंसलिंग होती है, किस महीने में आप ज्वाइनिंग डालोगे कॉलेज में, तो ये सभी डिटेल उसमें गिवन है। तो आप जाइए आईआईटी, जो राव एकेडमी है, उस लिंक पे जाइए, आप क्लिक कीजिए, कैलेंडर को सर्च कीजिए, आपको वहां पे कैलेंडर मिलेगा, वो आपको जितने भी अच्छी कॉलेजेस हैं, उसमें से एक थापर भी इंक्लूड है, ठीक है, थापर भी इंक्लूड है, और जितने भी अच्छी कॉलेजेस हैं इंडिया के, तो इस तरह के जो कॉलेजेस हैं, जैसे पिछले साल अगर मैं थापर के बारे में बात करूं, तो थापर की पिछले कुछ सालों के मुकाबले जो पिछला साल आया है, ये जो 2016 का वर्ष आया, इसमें काफी अच्छी कंपनीज आई हैं जो स्टूडेंट्स को प्लेस करके गई हैं, जबकि उसके पिछले साल इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था उनका। कंपनीज आई थी लेकिन इतना बड़ा पैकेज नहीं देके गई, लेकिन फिर भी आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस लिंक पे जरूर विजिट कीजिए। अगर याद रखिए, आपको जब आपका केवल आईआईटी मेंस क्लियर है, तो आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही समझदारी से कॉलेज को सिलेक्ट करना है। सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे वो थापर है, जितने भी 10-12 कॉलेज की लिस्ट दी हुई है, वो सभी कॉलेज अलाउ करते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर अपनी स्ट्रीम को स्टूडेंट्स आसानी से बदल पाए। वो अलाउ करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्ट्रीम को बदल पाए, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। लेकिन कब? अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ये सबसे बड़ी बात रही आईआईटी, अगर आपका मेंस क्लियर होता है। अभी वो वाले स्टूडेंट्स रह गए जिनका आईआईटी मेंस क्लियर नहीं हुआ है। जिनका आईआईटी मेंस क्लियर नहीं हुआ है, तो सबसे बड़ी बात, उनके लिए कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ, आपका क्या क्या आपकी तैयारी थी, सबसे पहला क्वेश्चन ये है क्या आपने, दूसरा आपका क्या इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब आप आईआईटी मेंस का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो आपका जो रैंक आया है वो कट ऑफ के बिल्कुल करीब है कि कट ऑफ से काफी नीचा है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस में आपके ज्यादातर आंसर यस हैं, तो मैं कहूंगा कि आपको डेफिनेटली सेकेंड ईयर के लिए जाना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे कर लेते हैं कि जितना भी रैंक आया है वो किसी कॉलेज में एडमिशन कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो नेक्स्ट ईयर वो आईआईटी मेंस के लिए एग्जाम देते हैं। जैसे उनका मेंस का एग्जाम क्लियर होता है, तो जिस कॉलेज में उन्होंने पहले एडमिशन ली होती है, तो उसको ड्रॉप करके वो अपना आगे की तरफ रास्ता